1982 में बैंकॉक की अखबारों में एक लेख प्रसारित हुआ। उसमें लिखा गया था किस प्रकार एक दिव्य शक्ति ने लोगों की मदद की। 1982 की बात है, मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरे पिताजी की बैंकॉक में मैन बाजार में कपड़े की दुकान थी। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मैं और मेरी बहन उस दुकान पर बैठते थे। एक दिन मेरे माता पिता किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे और मैं शादी की तैयारी से कुछ सामान लेने बाजार में काम से गई थी। मेरी बहन और मेरे चाचा जी दुकान पर बैठे थे और यह भी एक संयोग था कि हमारे दुकान के ऊपर ही हमारा घर था। उस घर में मेरे चाचा जी के दो बेटे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 5 साल, और मेरी दादी जी और मेरी चाची जी रहते थे और उनके साथ ही हमारा पूरा परिवार उस घर में रहता था। सद्गुरु महाराज जी की कृपा से पूर्ण संपन्नता थी। अब मैं तो निकल गई बाजार में काम से, माता पिता भी बाहर गए हुए थे। दुकान पर मेरे चाचा जी का छोटा बेटा, मेरी बहन और मेरे चाचा जी बैठे थे। तभी अचानक से चाचा जी को कोई काम याद आया। उन्होंने मेरी बहन से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कोई ग्राहक आया है तो तुम गेट खोलकर उसे अंदर बुलाना और यह बैल बजा देना, मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह तो अपने कार्य से घर की ओर चले गए। मेरी बहन दुकान पर बैठी थी। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि दुकान के बाहर एक ग्राहक आया। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वेशभूषा से वह बड़ा सज्जन प्रतीत होता था। उसने आवाज लगाई, कोई है? मेरी बहन को लगा कोई ग्राहक है। ऐसा सोचकर उसने दुकान का गेट खोला, वह अंदर आया और जैसे ही अंदर आकर बैठा तो मेरी बहन को लगा कोई ग्राहक है, चाचा जी बोलकर गए हैं कि मुझे बुला लेना, तो उसने बैल बजाई। जैसे ही बैल बजाई, चाचा जी ऊपर से नीचे आए और देखने लगे कौन आया है। तभी अचानक ग्राहक कहने लगा, अरे मेरे साथ मेरे कुछ साथी और भी हैं, मैं उन्हें भी बुला लेता हूँ, हम एक साथ ही आपके दुकान से खरीदारी करेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने साथियों को भी दुकान पे बुला लिया। अब जैसे ही उसके साथी दुकान पर आए, वह इतने भयानक थे, मेरी बहन को बड़ा डर लगने लगा। वह जैसे ही दुकान पर आए, उन्होंने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और एक दो लोगों ने अपने जेब से चक्कू निकाल दिया। अब वह नजदीक आकर मेरे चाचा और मेरी बहन को डराने लगे और धमकाते हुए कहने लगे, जितना पैसा है वह हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब वह दोनों बड़े भयभीत होने लगे। उन्होंने अपने लॉकर की चाबी उन लोगों के हाथ में थमा दी। अब उन लोगों ने लॉकर से पैसे निकाल दिए और उन्होंने देखा ऐसे इन्हें छोड़ेंगे तो यह शोर मचाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दुकान के कोने में एक छोटा बाथरूम था, उस बाथरूम के अंदर चाचा और भतीजी को बंद कर दिया। अब मेरी बहन और चाचा जी तो बाथरूम में बंद हो गए। उन्हें अंदर बड़ा भय लग रहा था कि यह और कुछ नुकसान न करे। इस प्रकार मेरी बहन डरते हुए चिंता कर ही रही थी, इतने में वह लोग सीढ़ियों के रास्ते हमारे घर की ओर चले गए। हमारे घर में मेरी दादी जी बैठी थी। उन्होंने दादी जी को धमकाया और चक्कू दिखाकर उनका सोना उतरा दिया। और जब उन्हें पता लगा कि मेरी शादी का सामान वहां पड़ा है, तो उन्होंने वह सामान भी चोरी की इच्छा से उठाना चालू कर दिया। वह सामान उठाकर जाने लगे। तभी अचानक से मेरे चाचा जी, जो अपनी भतीजी के साथ बाथरूम में बंद थे, वह अपनी भतीजी को डांटते हुए कहने लगे, अरे तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें पता नहीं चला कि यह लोग ग्राहक नहीं हैं। तब मेरी बहन कहने लगी, अरे चाचा जी, पहले तो एक ही व्यक्ति आया था,
वह दिखने में बड़ा सज्जन लग रहा था। मैंने सोचा शायद कुछ लेना चाहता है, इसलिए मैंने दुकान का गेट खोल दिया। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके साथ 3-4 लोग और भी हैं और यह इतना आके उधम मचाएंगे। अब तो हम क्या कर सकते हैं? तब चाचा जी कहने लगे, अभी तो सहायता का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने फोन की तारे भी काट दी हैं। अगर फोन चालू होते तो हम फोन कर सकते थे, पर इन लोगों ने तो हमें बाथरूम में ही बंद कर दिया है, हम कैसे बाहर निकलेंगे? अभी वह इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, तभी मेरी बहन डरते हुए अपने पिताजी की बातों को याद करते हुए मन में गुरुजी का मंत्र उच्चारण करने लगी, सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें बचपन से ही सिखाया था, जब भी जीवन में कोई मुसीबत आ जाए 5 बार सतनाम साखी महामंत्र का जाप करना, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब जब मेरी बहन इस प्रकार गुरुजी का मंत्र जपने लगी, तब मेरे चाचा जी बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, अरे बहुत मानते हो तुम अपने साई को, आज मुसीबत आई है तो बचाने भी नहीं आया। एक तो दुकान से चोरी और हो गई, अब तो मेरे को पता नहीं, मन में भय लग रहा है, कहीं यह हमारे घर ना गए हो, और वहां पे तो तुम्हारी बहन की शादी का सामान पड़ा है, हो सकता है वह भी उठाकर चोरी करके ना ले जाए। अब चाचा जी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मेरी बहन और घबराने लगी, पर उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसने मन से पुनः सद्गुरु महाराज जी का मंत्र जपते 5 बार सतनाम साखी का जप किया, और जैसे ही 5वीं बार सतनाम साखी का जप पूर्ण हुआ, पता नहीं अचानक से वह बाथरूम का दरवाजा खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुला मेरी बहन की आंखें बंद हो गई। चाचा जी भयभीत हो गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उन चोरों ने ही यह गेट खोला है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुम शोर करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। दोनों ने आंखें बंद कर रखी थी, तभी अचानक जब गेट खुला, तब गेट के बाहर 3 लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे। वह उन्हें कहने लगे, अरे घबराओ नहीं, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, तुम बाहर आ जाओ। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर जब पुनः उन लोगों ने कहा, अरे तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, तुम सुरक्षित हो, उनके इस प्रकार शब्दों को सुनकर मेरी बहन और मेरे चाचा जी बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने आकर पूछा, अरे वह चोर कहाँ गए? तब उन सफेद कपड़ेधारी लोगों ने कहा, चोर तो चले गए हैं। तो चाचा जी भगते हुए ऊपर घर की ओर आए और पूछने लगे माता जी से, माता जी आप ठीक हो? माता जी कहने लगी, चोर तो आए थे, पर जैसे ही सामान चुराने लगे, पता नहीं एक जोर से धमाका हुआ, उस धमाके की आवाज सुनकर पता नहीं चोर कहाँ गायब हो गए। वह सामान तो बहुत उठाना चाहते थे, पर कुछ भी उठा ना सके। इतना सुनकर चाचा जी भगते हुए वापस दुकान की ओर आए। जैसे ही दुकान पर पहुंचे, अपने भतीजी को देखकर पूछने लगे, अरे माया सब ठीक है? तुम्हारे मन में भय तो नहीं है? माया कहने लगी, पहले तो बहुत डर रही थी, पर अब मेरे मन में भय नहीं है, जब से वो 3 लोग आए हैं मेरे मन का भय गायब हो गया है। तब चाचा जी ने पूछा, वह 3 कहां गए? जब इस प्रकार चाचा जी ने माया से पूछा, तब माया कहने लगी, अभी तो यहीं पे थे, वह मेरे से बात कर रहे थे, दुकान को देख रहे थे, उन्होंने कहा हम पुलिस वाले हैं, पर गेट के बाहर तो गए नहीं। जब इस प्रकार माया बताने लगी, चाचा जी दुकान में चक्कर लगाने गए, सोचने लगी देखूं कहां गए, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में मेरे पिताजी और मेरी माता जी अपना कार्य करके वापस आ गए। मैं भी बाजार से सामान लेकर अपने घर लौटी, तो मेरी बहन ने और मेरे चाचा जी ने सारी यह बात हमें बताई। तब उनकी बातें सुनकर हमारे नेत्र सद्गुरु महाराज जी को याद कर
आंसुओं से भर आए। मेरे पिताजी ने अपने भाई को कहा, तुम सद्गुरु महाराज जी पर विश्वास नहीं करते हो, पर आज जिन्होंने हमारे परिवार की रक्षा की है वह और कोई नहीं, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी सफेद वस्त्रधारियों के रूप में हमारी रक्षा करने आए थे। यह बात हमें स्पेन की माता वर्षा जी ने लिखकर भेजी थी। उन्होंने बताया, साधारण लोगों के लिए तो वह दिव्य शक्ति थी, पर हमारे लिए तो वह आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की पावन अनुभूति थी। उनकी कृपा से ही आज हम सुरक्षित बच पाए थे। उस दिन जो हमारे जीवन में घटना घटित हुई, अगर सद्गुरु महाराज हमारी रक्षा नहीं करते तो पता नहीं आज हमें यह जीवन मिलता या नहीं मिलता।